फर्स्ट क्वेश्चन सडन हेडेक एंड आई ऑलवेज से द क्लास सडन हेडेक आए क्या होता है वो कैसे है और आई से एससीएच दे वीवीआईपी टॉपिक एंड कुछ और एग्जाम के फंडास जब कभी वो सडन हेडेक कहे सडन हेडेक की बात करे सडन हेडेक वो हमेशा एससीएच होता है। बास्केटबॉल प्लेयर की बात करें वो एचओसीएम होता है। प्रोफेसर वेंट फॉर ए कॉन्फ्रेंस आए वो लीजियोनेला होता है। फर्स्ट मॉर्निंग ग्रीन सैंपल ब्लैक आए वो पीएनएच होता है। ठीक है, उसके बाद अपना बंदा लेजर ट्रिप थाईलैंड होके वापस आया लड़का और मुंगा हो रहा है वो विक्टर्स होता है। ठीक है, ये सवाल दो तीन बार आ गया। उसके बाद कोई पेशेंट नर्स के साथ पंगा करे वो क्लूवर म्यूजिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बड़े एग्जाम के टोटले हैं ये सो लॉग लॉग से राइट। तो एक दो तीन चार पांच छह हैं हमारे जो कि बड़े अच्छी अच्छी बातें हैं। वेल, तो बात चल रही है एसएच की, ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। Now, the most important cause is trauma, otherwise rupture of Bailey aneurysm, extra edge, Bailey aneurysm is also seen in adult polycystic kidney disease, excellent. Or, jab usme banda aayega, he will have headache, neck stiffness, lekin fever is usually not a fever is usually not a feature, important negative point, usually not a feature, and that one point which we really give a clue to when that is negative fever. Or isme itna photophobia bhi nahi hota hai. One more thing which is not a very important feature is photophobia. Photophobia is a very important feature of meningitis, isme nahi hota ya not a very marked feature. And of course pehle jab diagnose karenge you will first thing you will go is CT plane. हम पहले सीटी प्लेन करते हैं, वी नेवर यूज कंट्रास्ट ब्लड एंड कोलेज के अंदर। सीटी प्लेन विल मेक अ डायग्नोसिस इन जस्ट 1 मिनट ओनली। एंड के बाद यू लाइक टू एग्जामिन सीएसएफ। सीएसएफ के अंदर यू गेट ब्लड इन ऑल थ्री इक्वल ब्लड, यू गेट इक्वल ब्लड इन ऑल थ्री वायल्स, इन ऑल थ्री वायल्स। इसका क्या मतलब है? अगर कोई ट्रॉमेटिक वाली ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट में ज्यादा होगा, सेकंड में कम होगा और थर्ड में और भी कम होगा। बट इफ यू आर गेटिंग इक्वल अमाउंट यू दैट मींस दैट इंडिकेट कि दिस इज केस ऑफ सब एडेनोइड हैपनिंग राइट। ब्लड आएगा बेटा मत पूरा ब्लड फ्रैग देखा कभी बड़े मिलते हैं वाले केसेस यू गेट द नेगेटिव केसेस फ्रैग ब्लड बिल्कुल लाल बिल्कुल जस्ट द वे वी गेट कॉम्प्लिकेशन आर नंबर वन पहला है it occurs in 3 to 7 days and that's the one which can now it will do ischemia, obviously ischemia. ठीक है, और इसके लिए to prevent this problem nimodipine, so ये भी आया कि हम nimodipine क्यों देते हैं? nimodipine भी primarily given to prevent vasospasm, it is a calcium channel blocker. ठीक है, अब यहाँ पर एक extra edge knowledge है। अब पॉइंट टू नोट है, पहले आप ध्यान से सुनेंगे फिर लिखेंगे।
हाइपरटेंशन इज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर SAI. क्या काम है? हाइपरटेंशन इज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर SAI. लिख लेंगे इसको. हाइपरटेंशन इज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर SAI. बट नॉट इन एवरी SAH हाइपरटेंशन इज देयर. बट नॉट इन एवरी SAH हाइपरटेंशन इज देयर. मैंने अभी आपको बात कही है कि ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ SAH. अब किसी बंदे को ट्रॉमेटिक SAH हुआ है तो बीपी मे नॉट बी हाई, अदर समटाइम्स बीपी मे बी लो ऑल्सो. अगर बीपी लो है, मान लो बंदे का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग कर रहा है बंदा, और साथ में SAH भी हो गया, तो बीपी लो भी हो सकता है, राइट? अब बंदे का बीपी लो है, लो बीपी वाले केस के अंदर देयर मोर चांस है कि विदोफैन विल बी मोर